अ वेरी गुड डे एवरीबडी आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक सीरीज़ न्यू जिसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाऊँगी ओके okay, ये जो पेपर है वो कंपलसरी होता है चाहे आप बी ए के स्टूडेंट हैं आप बी एस सी के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं बी कॉम कर रहे हैं सो so, ये जो पेपर है वो आप सभी के लिए इक्वल ही इम्पोर्टेंट होता है तो और ऐसा ही नहीं है ये सभी स्टेट्स यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में बट साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट चैप्टर है इसका कोर्स uh, का वो क्या है सबसे पहले इन्वामेंट की जो डेफिनेशन है वो इन्वामेंटल स्टडीज के स्कोप्स और उसकी इम्पोर्टेंस तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला टॉपिक है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इन्वामेंट सो so इन यहाँ पर डेफिनेशन में क्या आएगा इसका इन्वायरमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इनके जो इन्वायरमेंट है वो किससे डिराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि क्या है इन्वायर इन्वायरन का मतलब क्या होता है टोटल एन सर्कल यानी कि आसपास का जो घेराव है वो इन्वामेंट इंक्लूड एग्रीगेट कंडीशंस यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो उसमें क्या क्या आती है एग्रीगेट कंडीशंस आती हैं उनके इन्फ्लुएंसेस आते हैं जो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल प्लांट बर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं ह्यूमंस भी हो सकते हैं नेक्स्ट मिलियोर हैबिटेट जो हैं वो सीनियोनियम्स होते हैं इन्वामेंट के ठीक है ये अकॉर्डिंग टू इन्वायॉर्मेंटलिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं जो इन्वायमेंट की स्टडी करते हैं ठीक है एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम क्या है फिटिंग उन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया था इन्वायरमेंट को द टोटेलिटी ऑफ मिलू फैक्टर यानी कि जो एक इंसान के हैबिटेट फैक्टर हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट फैक्टर्स हैं जहाँ पर वो रह रहा है वो वाले फैक्टर्स हैं ठीक है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होंगे सारे के सारे इन्वॉर्मेंट होगा ठीक है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया ऑल द फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर यानी कि जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं कल्चरल फैक्टर्स हैं एंड कंडीशंस जो इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को और असेंबलेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट और कैसे एक इंसान अपने आप को असेंबल करता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ठीक है वो क्या है ठीक है अपने आप को कैसे कह सकती हूँ मैं किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ख़ुद को कैसे असेंबल्ड करता है ठीक है वो सब क्या है इन्वायरमेंट है यानी कि डेवलप कैसे हो रहा है वो साथ साथ वो कैसे असेंबल्ड होता है कंडीशन में ठीक है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो उसका इन्वायरमेंट है नेक्स्ट क्या है वेबनर के अकॉर्डिंग वेबस्टर के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग वेबस्टर्स के अकॉर्डिंग या वेबस्टर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इन्वामेंट है वो क्या है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस ठीक है क्या है सम टोटल है जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनका ठीक है एंड इन्फ्लुएंसेस साथ ही साथ उनके इन्फ्लुएंसेस का भी अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट करिए किसको किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और उसके डेवलपमेंट को नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन है इन्वामेंट की इन्वामेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सराउंड में हैं उनका जो भी योग होगा ठीक है जिसमें इंक्लूड करते हैं नेचुरल फोर्सेस ठीक साथ, है यानी कि नेचुरल फोर्सेस प्लस साथ ही साथ अदर फोर्सेस हैं विच प्रोवाइड कंडीशंस एंड फॉर डेवलपमेंट यानी कि जो भी डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं वो प्लस ग्रोथ कंडीशन है ठीक है डेंजर्स हैं उसके प्लस डैमेज है उसका ऑर्गेनिज्म का ये क्या सब मिलके क्या बनाते हैं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायॉर्मेंट इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सो so, जो कंपोनेंट्स हैं के वो मेनली डिवाइड होते हैं टू कैटेगरीज में पहला है हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट बायोटिक में कौन सा आएगा इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम आएंगे जैसे कि एनिमल्स हो गए बर्ड्स हो गई फॉरेस्ट हो गए इंसेक्ट्स हो गए रेप्टाइल्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि एल्गी बैक्टीरिया फंजाई वायरस एक्सेट्रा अब एबायोटिक मतलब जो भी जिंदा चीज़ें हैं वो किस में आगे बायोटिक में और जो भी चीज़ें जो जिंदा नहीं है लिविंग नहीं है वो एबायोटिक होगी बायोटिक मीन्स बायो मीन्स लाइफ और एबायो मीन्स जो लाइफ जो जिनमें लाइफ ना हो ठीक है तो अबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स जैसे कि एयर क्लाउड डस्ट लैंड माउंटेंस रिवर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाटर वाटर वेपर सैंड ठीक है जो भी चीज़ें नॉन लिविंग हैं जो जिंदा नहीं है वो सभी किस में आ गई एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो किसी ना किसी तरीके से बट इन्फ्लुएंस करती है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एयर भी हमें करती है बादल भी करते हैं धूल भी करती है लैंड्स भी करते हैं माउंटेन्स भी करते हैं है, तो ये कहीं ना कहीं में इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट है स्कोप्स ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है बेसिकली जो इन्वामेंटल साइंस है वो रिलेटेड होती है एनर्जी कंजर्वेशन से किससे एनर्जी कंजर्वेशन से बायोडाइवर्सिटी से क्लाइमेटिक चेंज से अंडरग्राउंड वाटर से सॉयल पोल्यूशन से और इसी के साथ जो होता है एज वेल एज हेज़ार्ड रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन एयर यानी कि जो भी किससे इन्वामेंटल साइंस रिलेटेड होती है एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है क्लाइमेट चेंज है ठीक है उसी के साथ साथ ये हज़ार से भी रिलेटेड होते हैं जैसे कि वाटर पॉल्यूशन एयर का पोल्यूशन जो हो रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है एंड मेजर टू कंट्रोल दैम और क्या करने हैं? हैं की कोशिश करती हूँ उन्हें ट्राई करती हैं हमेशा कि इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सके सकता है इससे अलग जो इसके स्कोप्स हैं वो क्या हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन्वॉर्मेंटल क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इकोसस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेटिक चेंज हो गए ठीक है नेक्स्ट है डिप्लिटेशन ऑफ ओजोन लेयर एसिड रेन सोशल इशूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ह्यूमन की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है वो कैसे इन्फ्लुंस कर रही है इन्वायमेंट को नेक्स्ट है इन्वामेंटल प्रोटेक्शंस के बहुत सारे एक्ट्स होते हैं ठीक है कन्जर्वेशनस हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हैं ये सभी क्या हैं इन्वायमेंटल साइंस के या इन्वायरमेंट के क्या हैं इस्कोप हैंक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 ठीक है वो क्या कहती है इट इज़ अ बेसिक नीड ये क्या है एक बेसिक नीड है टू डेवलप कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग इन्वामेंट यानी कि जो भी लोग हैं उनमें जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है ये बेसिक नीड है कि हम कॉन्शियस करें लोगों को इन्वामेंट के रिगार्डिंग इन्वामेंट से रिलेटेड चीज़ें उनको बताएं आप देख रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है जो कंडीशन है वो हार्ड से हार्ड होती जा रही है हमेशा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है चाहे आप एक चिल्ड्रन हैं चाहे एक यूथ हैं चाहे आप एक ओल्डर पर्सन हैं है ना या कोई भी सिटीज़न है ठीक है आप इस देश के नागरिक हैं तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वायॉर्मेंट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज को जानें सो so एक ये जो सब्जेक्ट है इन्वामेंटल स्टडीज या इन्वामेंट शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन लाइफ यानी कि इसको कहीं ना कहीं आपको ऐड करना होगा जो एजुकेशन है लाइफ में ठीक है जैसे कि स्कूल में भी आप देख रहे हैं कंपलसरी होता है इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से आपको साइंस की बुक में चाहे पढ़ाया जाए वो चाहे एक चैप्टर के रूप में क्यों ना पढ़ाया जाए आपको पढ़ाया जाता है ठीक है इसीलिए ही तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है अभी उन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट है इन्वॉलमेंट वो है क्या है स्कूल के किसी भी पार्ट में कॉलेज में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या हो गया अभी कंपलसरी हो गया Policy, है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन एटी सिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है नेक्स्ट क्या है जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंस क्या है इन्वॉर्मेंट की सम इम्पोर्टेंट फीचर्स और आर साथ इन्वॉर्मेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्दी लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग यानी कि अगर हमारा इन्वायमेंट अच्छा नहीं होगा आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है तो क्या आप कभी वहाँ पर हेल्दी रह सकते हैं सो so, इन्वामेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी लिविंग बींग के लिए मतलब एक हेल, एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए नेक्स्ट इट मैटर्स बिकॉज इट इज़ ओनली होम दैट ह्यूमस हैव अगर आप इमेजिन करें एक जो आप घर बनाते हैं वो रियल में है क्या एक ईंट का मकान है और कुछ भी नहीं है तो हमारा रियल होम क्या है हमारे आसपास का सराउंडिंग है हमारा ह्यूमन है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे आप अपने ध्यान घर का ध्यान रखते हैं उसके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कोशिश करिए कि आप अपने इन्वायरमेंट के लिए भी करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही हम एक लौता घर है हम ह्यूमन्स का एंड इट प्रोवाइड्स एयर यही हमें दे रहा है एयर भी दे रहा है आप कितने भी पंखे लगा लें ए लगा लें कूलर लगा लें अगर आपका इन्वामेंट आस का अच्छा नहीं है तो वो कुछ काम नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आजकल एसी लगाने के बाद भी लोगों को क्या होती है गर्मी लगती है क्यों क्योंकि उनका इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुका है इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है इस बार इसी साल आप देखेंगे तो जो बारिश का मौसम है वो बहुत मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आया है साथ ही साथ वो हमें फूड देता है फूड आप कितनी भी कोशिश कर लें घर के गमलों में आप पूरी दुनिया के लिए फूड नहीं उगा सकते हैं वो आपको इन्वामेंट सही मिलेगी एंड अदर नीड्स और अदर नीड्स भी कौन दे रहा है मैं इन्वामेंट ही पूरी कर रहा है हमारी जो हुँ, जो ह्यूमिनिटीज़ हैं एंड जो पूरी उनकी पूरी लाइफ है उनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का वो डिपेंड करता है ऑन वेल बींग ठीक है कि वो स्वस्थ रहें ऑल द ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर ठीक है क्योंकि एक स्वस्थ इन्वामेंट होगा तो ही क्या होगा एक ह्यूमन्स भी क्या रहेंगे स्वस्थ रहेंगे हेल्दी रहेंगे तो जो भी वेलबींग ऑफ इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है हमारा भी पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है हमारी पूरी ह्यूमनिटी है नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंट है वो प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एयर एंड क्लाइमेट ठीक है हमारी जो एयर है आसपास को उसको रेगुलेट करने में हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में जो एक अदर रीजन की हम बात करूँ इन्वायरमेंट की कि जो इम्पोर्टेंट है इन्वामेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी ठीक है क्या अभी आप लोग देखते होंगे शहर में रहने वाले लोग जब गांव में जाते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि वाव इतनी प्यारी खेत हैं आप बॉलीवुड मूवीज़ में जाइए देखिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेचुरल चीज़ें दिखा नेचर को दिखाने की कोशिश करते हैं अब से थोड़े पुराने वाले बॉलीवुड में अगर मैं जाऊँ तो वो दिखाते थे कि सरसों के खेत में हीरो आ रहा है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन को शांति देती है हमें अट्रैक्ट करती है मैं आपको बहुत अच्छी थेरेपी बताऊंगी अगर आप स्ट्रेस रहते हैं तो आप रोज़ शाम के टाइम पे जब धूप थोड़ी कम हो जाती है तो आप घास पर चलिए नंगे पैर तो ये सब चीज़ें क्या बहुत रिलैक्स देती हैं हमें ये जो नेचर है हमारा इन्वॉर्मेंट है ये नेचुरल ब्यूटी का भी क्या है एक सोर्स है जो हमें हमेशा कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देती है एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टू ये हमारे लिए किस लिए नेसेसरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पर घूमने जाते हैं बीच पे घूमने जाते हैं ये भी तो क्या है हमारा इन्वामेंट ही है नेक्स्ट जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है क्या वर्ल्ड इन्वामेंट डे वो सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल फाइव जून को क्यों किया जाता है जिससे कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे स्कूल्स हैं कॉलेज हैं जो वर्ल्ड इन्वामेंट डे के दिन कम से कम एक प्लांट तो लगाते ही हैं सो so, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नॉट ओनली इन ऑन वर्ल्ड इन्वामेंट डे कोशिश करें कि आप अपने बर्थडे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन पे एटलीस्ट एक प्लांट लगाएं अगर आप एक नर्सरी से भी प्लांट लेके आ रहे हैं तो एक ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ में आपको प्लांट मिल जाता है आप जो वेजिटेबल्स लेते हैं फ्रूट्स लेते हैं आप उनके जो सीड्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं मिट्टी में डाल सकते हैं शायद उनमें से एक प्लांट निकल जाए तो इतना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें तो हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कर ही सकते हैं सो कोशिश करें कि आप कैंपेन से जुड़ें इन्वामेंट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें आपके स्कूल्स में की जाती हैं कॉलेज में की जाती हैं उनसे जुड़ें और जितना ज़्यादा अपनी तरफ से आप एक तरीक़े से कह सकती हूँ मैं कि अपना एक पार्ट दे सकते हैं इन्वामेंट को कोशिश करें कि आप भी उसके लिए वर्क करें क्योंकि इन्वामेंट हमारे लिए हमें बहुत कुछ देता है सो so, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारी हैं और कोशिश करें कि आप अपनी इन्वॉर्मेंट को जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए वर्क कर सकें सो so, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ